वेलकम बैक टू आवर चैनल। पीहू अभी खेल रही है बलून से, अभी बज गई 12। और आज पानी आया था तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं खाने में, जिस दिन पानी आता है। मनीषा को हो रहा है सर्वाइकल दर्द, हो जाता है। मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद ऊपर चली जाऊँगी तो मुझे नहीं खाना, तो मैं बना लूँगी। आप आपका काम कर लो, मेरी मशीन भी लगाइए और आज को थेरेपी के लिए भी जाना है, आज तो जाना ही पड़ेगा। तो जहाँ पे मैंने करवाई थी थेरेपी वहाँ पे वो सेंटर बहुत अच्छा है, वहाँ से बहुत जल्दी रिलीज मिलता है। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू है, आज के दिन में जो भी होगा आपको देखने मिलेगा, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मम्मी मेरे पास एक आइडिया आया है। क्या वो आइडिया? मैं इन लोगों को तो बाद में बताऊँ, क्या आपको बताऊँ क्या बिल्कुल जी। सो डॉक्टर को तो दिखा के मतलब थेरेपी से पे तो बात करके आ गई मैं, फिर मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर पे, लेकिन वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मैं गई और बहुत जल्दी जल्दी मैं आ गई। अभी बज रहे हैं रात के 7:30, अंधेरा तो हो गया होगा, हो गया है अब होने लगा, पहले 7:30 बजे तक उजाला होता है। अभी मैं बताती हूँ, देखो मेरा काम कंप्लीट हुआ, जस्ट अभी बर्तन वगैरह धोए कितने, और आज हम लोग खिचड़ी बनाने वाले हैं कि बहुत हेवी खाना हो गया इतने 2-3 दिन से। आज हम लोग थोड़ा सा हल्का खाएंगे, घर पूरा क्लीन कर दिया है मेरा, बस साड़ी उठाना है। मम्मी का तो आपको एज ऑलवेज ऐसा ही रहता है हमेशा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हूँ मैं इतने दिन से। अभी मम्मी कर रहे हैं मिठाई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं कोलैबोरेशन मेरा करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी मम्मी अर्जेंट कर रही है सब, इसलिए फटाफट मिठाई कर रहे हैं। 2 ब्लाउज रेडी है, तीसरा ब्लाउज है। यहाँ से देखो मैंने थोड़ा क्लीन किया, आई डोंट नो कितने दिन के लिए, बस कर तो दिया लेकिन मैंने खुद भी, है ना बोल दूँ करूँ थोड़ा, अब बोलना आँखों में आके डाल के मजा तू मजा करती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इनका रूम, ये मैं जो हालत का गीला हो रहा थोड़ा सा क्योंकि अभी बर्तन धोए, मैं थोड़ी सी दुबली हो गई हूँ, थोड़ी सी मीन्स 2 किलो वजन कम हुआ है बस। तो हमारा प्रमोशन तो ये कर रही हूँ, देखो ये साड़ी वाड़ी चूड़ा वाड़ा पहले मैं बताती हूँ, पानी डाल दी मम्मा, डाल दिया पीऊ, डाल दिया पानी, पापा पापा पूरा गीला कर दिया, देख लो फिर मैं आपको बैठ के बताऊंगी। मम्मी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये पूरा देखो स्वेल्ड हो रहा है यहाँ से, ये पूरे ये और ये सूज रहा है, ये देखो ये सूज रहा है। मम्मी जब उसने दबाया था ना मेरी जान निकल गई थी, देखो इधर नॉर्मल है इधर स्वेल्ड हो रहा है। अब मैंने आपको बता तो अब मैं आपको बैठ के बताती हूँ, है ना। मम्मी जा रहे हैं सोने क्योंकि वो भी थक गए हैं, पीयू क्या कोई ठिकाने नहीं सोने के, बाय बाय दूध, आज खाने ठीक से नहीं खाया था, दूध पी के सोएंगे हम। तो है ना मैं इतनी ज़्यादा पेन में थी, इतनी ज़्यादा 3 दिन से, तो कि मेरे लिए व्लॉगिंग करना मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। आज मैंने पता नहीं कितने टाइम बाद तो 3 शूट किए हैं, कि मतलब बहुत ही टाइम बाद, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल सा हो रहा है शूट करना। ये मुझे नहीं पता था कि मुझे वो पता था सर्वाइकल पेन, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले, क्या वो मुझे हो रहा था, पर मुझे ये भी हो गया ये मुझे नहीं पता था, इसका तो नाम भी मैं भूल गई क्या था। जब उसने पॉइंट दबाया ना तो मेरी जान निकल गई, तो हम लोगों ने बात तो कर ली, कल से मुझे जाना पड़ेगा थेरेपी के लिए, 15 डेज़ की मेरी थेरेपी है त्रिवेणी डायग्नोस्टिक पे, है ना भाई, त्रिवेणी नाम है ना, हाँ त्रिवेणी नाम है, मैं याद आ गया याद, त्रिवेणी नाम है। वहाँ पे मेरे लिए 15 दिन की मुझे थेरेपी करा, 10 दिन का बोला था डॉक्टर ने, पर ये भी एक अलग चीज़ हो गई तो इसकी थेरेपी भी लेना पड़ेगी। तो है ना घर का काम करना फिर कोलैबोरेशन करना उसके बाद मेरे लिए पॉसिबल, और मेन ये व्लॉगिंग की वजह से हुआ पता है आप लोगों को। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ऐसे करके अगर अपन फ़ोन चलाते ना ऐसे, ये अपने सर नीचे हो जाता, तो ऐसे फ़ोन मत चलाना, मुझे स्पेशली मना किया उन्होंने ऐसे फ़ोन चलाने के लिए, उसकी वजह से मेरा ये निकला है। पहले मुझे प्रॉब्लम नहीं थी,
तो उन्होंने बोला अगर आपको फोन भी चलाना हो तो ऐसे स्ट्रेट बैठ के आप फोन चलाओ, ऐसे मत सिर पहले से नीचे करके व्लॉगिंग करते, ऐसे एडिटिंग मत करना। तो मैंने उनको बोला ये तो मेरा काम है, होता होगा हमेशा ही। तो फिर उन्होंने बोला घर के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, तो 15 दिन की आपकी थेरेपी हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है तो आप घर पे वो एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। आज थोड़ी सी ऐसे मेहंदी वहंदी लगा के शूट किया क्योंकि मैं इतने टाइम से परेशान थी कि मैं ठीक से शूट भी नहीं कर पाती थी, सिर्फ साड़ी पहनी और कर दिए, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने बहुत 3 शूट किए और तीनों बहुत ही अच्छे डिफरेंट लुक में किए हैं, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने मिलेंगे। और माही एज ऑलवेज अपने फ़ोन में बिजी। माही आज सुबह वो जब मेरे को बता रहे थे तो कितना मुझे दर्द हो रहा था ना। हाँ वो जब चेक कर रहे थे तब उस टाइम पे वो उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ ट्रिगर पॉइंट बन गए यहाँ पे। हाँ पॉइंट्स बन गए हैं यहाँ पे, इधर तो बहुत कम है ये। हाँ ये मसल है ना, ये बहुत दर्द हो रहा है इसमें मुझे। तो उन्होंने बोला ये अपने को जैसे अपन रोटी ज़्यादा बना लो, तो अभी बनाना स्टार्ट किया है, पर ये कि घर का काम तो करना पड़ेगा ना, हम लेडी लड़कियाँ नहीं करेंगे, हम लेडीज नहीं करेंगे तो घर का काम कौन करेगा। ऐसे नहीं होगा, ये तुमको मिल ली उससे ही हुआ। हाँ पर अगर वो उन्होंने बोला ना रोटी अगर ऐसे करके बनाते बोल नहीं देते, उससे भी होता है ऐसे उन्होंने बोला था। मतलब ऐसे झुक के अपन जो भी ज़्यादा काम करते हैं ना, हमारे घर में ऐसा भी नहीं कि रोटी वोटी बहुत ज़्यादा बनती हो, पर ये करके हो गया उसके बाद हम ऐसे करके कोई भी काम करते तो ये चीज़ें बढ़ जाती है, ये बढ़ता है ऐसा उन्होंने बोला है। तो बस इसीलिए मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पर मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि आप लोगों का प्यार। मतलब मेरे व्लॉग नहीं आते तो आप लोग इतना पूछते हो दीदी व्लॉग क्यों नहीं डाला, दीदी व्लॉग क्यों नहीं डाला, व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को ब्लॉग बना के इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हाँ, इसलिए मैं परेशान थी। कल से जाऊँगी थेरेपी के लिए, उसके बाद एकदम ठीक हो जाऊँगी, फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू रहूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे साथ एडिटिंग कोई नहीं करता मेरे व्लॉग्स में, ये भी नहीं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको बस कैमरा फेस भी करवाओ तो 10 बार बोलना पड़ता है, तो मुझे ही करना रहता। मैं मम्मी को बोलती हैं वो कर, मैं कर देती हूँ, पर उनको आता नहीं है, समझ नहीं आता क्या कट करना क्या, बहुत मुश्किल से। तो वो सिर्फ शूट कर देती, वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है, मेरा बैक सपोर्टर वही है, तो वो शूट कर देती, पर एडिटिंग मुझे ही करना पड़ती है। तो इसलिए फिर करने वाली जब मैं ही हूँ तो प्रॉब्लम है, तो फिर कैसे कर पाऊँगी, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैं दिन भर पड़ी रहती हूँ, अभी तो मेरा यही हाल है, काम करा और करके बस ऐसे करके लेटी रहती हूँ मैं, तो इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। बट हाँ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट था जो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए इंस्टाग्राम पे, मैं लाइव आई थी वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने बोला, तो मैं व्लॉगिंग लेकर के आऊँगी कल से जाऊँगी 15 डेज उन्होंने बोला, वैसे तो 3-4 दिन में ही मुझे रिलीव हो जाएगा, तो जैसे ही रिलीव होगा उसके बाद हम फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। बट हाँ, शायद अभी मेरे व्लॉग्स ना आए 2-3 दिन, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी जैसे स्टार्ट करेंगे ना तो कप थेरेपी वगैरह लोगे आप, तो शायद उसकी वजह से आपका पेन एकदम से 2 दिन बढ़ भी सकता है, क्योंकि कप थेरेपी भी थोड़ा होगी अभी एकदम से नहीं होगी। अरे कप थेरेपी सबसे पहले होगी, क्या सुन रहे थे बैठ के वहाँ पे, मैं बताऊंगा आप लोगों कप थेरेपी नंबर पे। कप थेरेपी सबसे पहले होगी क्योंकि वही इसके लिए मेन है। मम्मी इधर आना 1 मिनट। कप थेरेपी मेन होती है, सबसे पहले कप थेरेपी होती है ना। आपकी हुई है ना? सबसे पहले कप थेरेपी करी करते हैं ना वो लोग, सब उनका मेन, मेरे को भी यही बोला उन्होंने कि ना कप थेरेपी मेन होती है, और वही इसी तो रिफिल है यहाँ पे, मेन कप थेरेपी होती है, आपको नहीं पता तो फिर आप क्यों बोल रहे हो। तो कप थेरेपी अगर, और आप अपने ढंग से सुना नहीं, आप अपने मोबाइल में लगे थे। कोई मोबाइल वोबाइल में नहीं लगे थे वहाँ, तो हम वहीं लगे थे। देखो कुछ पता धता रहता नहीं, धता क्या होता है पता तो नहीं। मम्मी की हुई है इसलिए मम्मी ने भी मुझे, कप थेरेपी होता होगा तो मैं भी करा लूंगा। देखो कितनी जल्दी बोला, अभी तक बोल रहे थे कप थेरेपी नहीं होगी, कप थेरेपी होगी तो मैं भी करा लूंगा। कप थेरेपी होगी लेकिन फर्स्ट नंबर पे होगी, ये थोड़ा ना बोला था। पहले वो पॉइंट्स वगैरह दबाएगी फिर कप थेरेपी, ऐसे करके प्यार देखो जो उन्होंने मुझे बोला है कि, पर ये बोला है कि मेन आपको कप थेरेपी है, तो उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो रुक गया है वो होगा, तो उससे आपको पेन भी हो सकता है, 2 दिन आपको पेन बढ़ सकता है, जैसे कि जिस पॉइंट पे हम थे, तो उसकी वजह से शायद मैं 1-2 दिन फिर अभी व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँ। आप लोगों का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बना के रखना प्लीज़। कल मैं जाऊँगी तो वो भी आपको इसी व्लॉग में ही दिखाऊँगी मैं, अभी तो हो रही रात 12:30, कितना टाइम हो रहा है रात, ये देखो रात के बज रहे हैं, उल्टा कर कैसे दिखाएंगे, टाइम दिखेगा, हाँ ऐसे दिखेगा। 12:16 हो रहे हैं रात के, 26 जून बज चुकी है, तो वो भी मैं इसी क्लिप हो चुकी है, 12:16 बज चुकी है। कितना मेरे वर्ड्स नोटिस करते हैं ना अपने आप को, पता नहीं क्या समझते है ना। तो जो भी वो थेरेपी वगैरह होगी वो भी मैं इसी व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा उसके लिए अलग से नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि पता नहीं मेरे को तो डर भी लग रहा है।
तेरा मर्द क्या, मेरा मर्द क्या समझता हूँ मैं अपने आप को क्या बोलते, तेरा मर्द समझता हूँ है ना। तो बने रहिएगा व्लॉग में, आपको बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ फर्स्ट डे। तो जिनके अगर होना है तो उनको अगर डर लग रहा हो तो मेरी व्लॉग देख लेना। बोला तुमने मैं अकेला नहीं हूँ। किस चीज़ के लिए? जो ये तुमको बोलता हूँ उसको मारा मत करो। चाहो यार मैं नहीं मारती मेरी बच्ची को। आज गई थी मनी तो थेरेपी के लिए, बता तो उससे निशान आ गया ना। हाँ चलो अंदर बता रही दिख रहा है? दिख रहा है मेरे को भी, ऐसे निशान आ गया। अभी बोल रही तो काम है। हाँ ये और पड़ी है। तो ऐसी कुछ थेरेपी बहुत ही अच्छी थी, बहुत रिलीफ भी मिला मुझे। अब देखते हैं कल क्या होता है। बाकी हाँ इस व्लॉग का तो करेंगे यहीं पेंड, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना था थेरेपी का, तो काफ़ी अच्छा था। 40 मिनट करी आज, लेकिन नेक्स्ट कल ज़्यादा करेंगे क्योंकि अभी एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करी है। तो क्यों नहीं करी, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था ना, तो एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे वो लोग। तो कल जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।